मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग के हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं और हम सोच रहे हो कि आज इसको क्या हुआ है। सुबह सुबह आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा हेक्टिक डे है, आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हमारे। पहले मैं हॉस्पिटलाइज होके आई हूँ और अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है, दवाई चल रही है, मेडिसिन। उसके बाद 20 दिन बाद पता चलेगा क्या होता है। और आज है मितांशु का भी ऑपरेशन, हर्निया का। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो अभी 5:30 हो रहे हैं, 6:30 तक आई थिंक पहुंच जाएंगे। पहले टेस्ट वगैरह होंगे, फिर उसके बाद 11-12 बजे तक, 10-11 बजे तक आई होप अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और फिट होके घर आ जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या प्रोसेस रहा, मेरे साथ बने रहना आप लोग। चलो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। एकदम नीट एंड क्लीन, कोई नहीं है, शांति बनी हुई है एकदम। अभी तो 6 बजे है ना मितांशु, 6 बजे है ना? हाँ, 6 बजे। करते हैं अपना प्रोसेस, फिरते हैं। काउंटर भी खाली है, चलो। फ्रेंड्स, मितांशु का ऑपरेशन हो चुका है, वो रूम में शिफ्ट हो चुका है। ये देखो आप मितांशु, हेलो बोलो। मैं चल के दिखा दूँ? चल के दिखा दे। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। चलो, और बाकी सब लोग मितांशु पे मिलने आई हैं, माफी माफर सब लोग। हेलो, हाय जीजू। हुक्का लगाने आया मितांशु का भाई। सब लोग मितांशु ठीक है, बेटर है। अब ये देखते हैं कब मिलता है इसको, 1-2 दिन में डिस्चार्ज। The next day. Hey, good morning guys. Next day morning हो चुकी है। डॉक्टर मितांशु को चेक करके जा चुके हैं और आज डिस्चार्ज करने का था डॉक्टर ने, बट थोड़ा सा मितांशु को कुछ इशू आ रहा है, तो मे बी शायद आज ना करें डिस्चार्ज। ये मितांशु फ़ोन पे टाइम पास कर रहा है। आ जाए, कल जाए, ठीक हो जाए। आए थे अभी डॉक्टर रूम पे आए थे। मैंने भी खाना खा लिया है, डिनर कर लिया और मैं वॉक कर रही हूँ, थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ तो पूरा दिन बैठे बैठे ही कोई काम नहीं था, मैं चलो वॉक कर लेती हूँ। और मितांशु को भी अभी एंटीबायोटिक चढ़ी हुई थी, अभी अभी आई थिंक निकाली है और डॉक्टर ने कल डिस्चार्ज के लिए बोल दिया है। एंटीबायोटिक्स, मितांशु को देखो हफी भी आ रही है, ये देखो इसको हफी भी आ रही है। ठीक हो गया तू? दर्द हो रहा है, मेरे हंसी आ रही है। दर्द हो रही है? कहाँ दर्द हो रही है? स्टिचेस आ रहे हैं। शाबाश, बहादुर बच्चा है, हफ्ता लगाकर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हो जाएगा जल्दी ठीक। ये देखो फोन यहाँ पे भी चिपका के बैठा है, ये फोन से बस टाइम पास कर रहा है ना। कल डिस्चार्ज कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अपनी दवाई ले लूँ, इसके चक्कर में अपनी भी केयर करनी जरूरी है, पता चल रहा थोड़े दिनों बाद। आई होप ठीक ही रहूँ, बस मैं भी अपनी दवाई ले लेती हूँ, अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेयर कर दो दोनों ठीक हो जाए जल्दी से। The next day. Good morning friends. आज है हॉस्पिटल में हमारा 3rd day और फाइनली आज मितांशु का डिस्चार्ज हो गया है। बस पेपर रेडी हो चुके हैं, बस डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं। हम लोग डॉक्टर की वेट कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर मितांशु को देखते हैं और फिर हम घर जा रहे हैं। ये रहा मितांशु, ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा चेयर वगैरह पे बैठ रहा है, बेटर है। बाकी रिकवरी तो घर जाके ही होगी,
बस प्रेयर करो सब अच्छे से हो जाए। मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग की, अब कोशिश करूँगी कुछ अच्छा ब्लॉग दे पाऊँ आपको। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।